नई बहू की जादुई सिलाई मशीन। कुमुद को सिलाई का बहुत शौक था। दो चार दिन में ही उसकी शादी थी। अपने सुंदर से दुपट्टे को हीरे मोती जड़ाकर तैयार करके उसे ओढ़कर वो कहती है, हाय, इस दुपट्टे को कितना प्यारा सजाया है मैंने। इसे पहनकर मैं अपनी पिया के सामने स्टेज पर जाकर गाऊंगी। तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल मैं जावांगी। तभी एक पुनिया नाम की लड़की डॉल लाकर कहती है, दीदी आपकी शादी होने वाली है तो मेरी डॉल आपकी शादी में क्या पहनेगी? मैं उसके लिए भी एक अच्छा सा कपड़ा लेकर आई हूँ, प्लीज दीदी बना दो। अरे नहीं बेटा, मेरी मशीन खराब हो जाएगी, ये सब तो तुम्हारी मम्मी भी बना कर दे देंगी। अरे दीदी आप बना दो ना, आप पर सिलाई मशीन है और आपको आता भी है। ये सही आफत पाल रखी है मैंने, इसीलिए तो मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है ताकि मैं डॉल्स के कपड़े सिलूं। लाओ दो। ऐसा कहकर कुमुद उस डॉल के कपड़े को सिल देती है, जिसे पहनाकर पुनिया कहती है, अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छे कपड़े सिले, थैंक यू सो मच। आप सबसे ज्यादा आपकी शादी में मेरी डॉल अच्छी लगेगी। हाँ मेरी शादी थोड़ी है, इसी डॉल की तो शादी है, कहीं मोहित इसी डॉल से शादी ना कर ले। मुझे समझ कर, मुझे अपने शादी का लहंगा भी सिलना है, दूसरों की सिलाई मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और जब से ही सोच रखा है कि कैसा लहंगा तैयार करना है। ऐसा कहकर कुमुद अपने लहंगे के कपड़े की कटिंग कर लेती है। वो लहंगा सिलने ही जा रही थी कि तभी उसकी माँ गोमती और ताऊ विभूति आकर कहते हैं, अरे कुमुद बेटा तू जरा मेरी साड़ी का ब्लाउज सिल दे। अरे बेटा मेरे लिए पैंट शर्ट सिल दे, जब तुझे आता है तो मैं बाहर पैसे क्यों दूं, तू ही पैसे ले लेना, सिल दे बेटा इसे। माँ क्या है आपको, मेरी शादी है और आप लोग मेरी ही शादी में जो कपड़े पहनना चाहते हैं मुझसे सिलवा रहे, थोड़ा तो दुल्हन का लिहाज रखिए, दर्जी बना दिया मेरे को तो। लो कर लो बात। अरे बेटा तू तो पहले से ही दर्जी है, हमने तुझे थोड़ी कहा था कि 4-5 साल तू दर्जी वाला कोई कोर्स कर। हाँ मुझे खुद ही बोलती थी माँ मुझे कपड़े सिलने हैं, मेरा शौक है, मेरा पैशन है, तो अब कर, और जब तुझे इतनी कलाकारी आती है तो हम बाहर क्यों पैसे फूके। पर माँ मेरी शादी है, मुझे थका रही हो आप, बाहर पैसे देकर करवा लो। नहीं बेटा शादियों के सीजन में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपनी शादी में अपनी माँ ताऊ जी घर वालों के बिना तो जाएगी नहीं तू, उनके कपड़े तैयार कर दे। और हाँ तेरे पापा तेरी बहनों का लहंगा भी है, वो भी तू देख लेना। ढेर सारे कपड़े देखकर गोमती और विभूति चले जाते हैं। अपने कमरे में कपड़ों का ढेर देखकर कुमुद कहती है, पता नहीं कौन सी तारीख में मैंने सिलाई का कोर्स कर लिया जो अपनी ही शादी में दर्जी बनकर कपड़े सिलने पड़ेंगे, दुल्हन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 दिन के भीतर वो कुमुद अपने सभी घर वालों के कपड़े सिल देती है। शुक्र है सबके कपड़े सिल गए पर मेरा लहंगा रह गया। अरे जब मैं ही तैयार नहीं हो पाऊंगी मेरी शादी में तो ये अपने कपड़े पहन करके बरातियों के साथ नाचेंगे क्या? एक दिन बचा है, जल्दी से कर लेती हूँ, मेहंदी लगने के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपना लहंगा सिलने लगती है कि उसी टाइम कुमुद की मशीन चलना बंद हो जाती है और सुई टूट जाती है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अपनी सिलाई मशीन से लहंगा सिलकर कैसे पहनूंगी, कल मेरी शादी है, लगता है मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, से लेना जब अपना दुल्हन वाला लहंगा। कुमुद परेशान होकर रोने लगती है, उसके पास ना कोई दूसरा लहंगा था, ना पैसे थे, ना वक्त था। जहाँ सभी नाच गा रहे थे और उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी, मेरे हाथों में मेहंदी भी लग गई और मेरा लहंगा भी नहीं सिला, कल मेरी शादी कैसे होगी। उसकी परेशानी को देखकर उसकी मरी हुई दादी उसके सिलाई मशीन को जादू से सिलाई मशीन जादुई बनाकर कहती है, पोती की शादी में ऐसे नहीं देख पाई तो क्या हुआ, स्वर्ग से ही देख लूंगी पर कोई अड़चन नहीं आने दूंगी, अब ये जादुई सिलाई मशीन हमेशा उसके काम आएगी। जिसके बाद उसकी पोती का लहंगा खुद ब खुद जादुई सिलाई मशीन से सिलने लगता है और तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद जब कुमुद अपने कमरे में आती है तो देखती है, ही भगवान मैं अपनी शादी में लहंगा कैसे पहनूंगी, मेरा लहंगा, और ये तो बिल्कुल वैसे बना है जैसे मैं चाहती थी, मेरी मशीन तो खराब थी, कैसे हुआ, किसने किया। बेटा थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कल तेरी शादी है, बहुत थकान होगी। गोमती के कहने पर कुमुद सो जाती है, उसे ये समझने का समय ही नहीं मिलता कि ये सब कैसे हुआ।
अगले दिन अपना चमचमाता लहंगा पहनकर नाचते हुए वो स्टेज पर आ जाती है। उसे देखकर दूल्हा मोहित दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाय, क्या मेरी कुमुद है। हाँ दूल्हे राजा। कुछ ही देर में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ फूलों की बहार से उसके ससुराल वाले उसका स्वागत करते हैं। थोड़े दिन बाद उसकी नंद पाखी कॉलेज जा रही थी, उसकी ड्रेस फट जाती है। नहीं भगवान, मेरी इतनी महंगी 5,000 रुपए की ड्रेस फट गई, अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन कैसे जीतूंगी, माँ तो पैसे भी नहीं देंगी। अरे दीदी आप रोइए मत, भूल गई आप कि आपकी भाभी एक फैशन डिजाइनर है। ठीक है भाभी, कर दीजिए फिर, बस 1 घंटा ही बाकी है। जिस तरह से पटा है इसमें एक्स्ट्रा पीस लगेगा, मुझे इसके लिए पास वाली मार्केट से मैचिंग का कपड़ा लाना होगा, तुम चेंज कर लो मैं आती हूँ। कुमुद मार्केट जाती है, उसकी नंद वो ड्रेस सिलाई मशीन पर रखकर चली जाती है और जादुई सिलाई मशीन जादू से उसकी ड्रेस को पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर देती है। कुमुद जैसे ही अपने कमरे में आती है तो उस ड्रेस को बिल्कुल नया का नया पाती है। हे भगवान, मैं तो मार्केट गई थी तो ये ड्रेस अपने आप सिली कैसे, ऐसे ही मेरी शादी के दिन हुआ था। भाभी ड्रेस तैयार हो गई क्या? हाँ लो, बिल्कुल ठीक है, अब तुम आराम से जा सकती हो। शुक्रिया भाभी, आप बहुत अच्छे हैं, बच गई आज तुम्हें। ये कहकर नंद भाभी से खुश होकर चली जाती है। तभी सास 10 जोड़ी कपड़े लाकर कहती है, बहू तूने अपनी शादी में सबको अपने हाथ से कपड़े सिलकर पहनाए थे, तेरी सिलाई पड़ोसियों को भी शादी में बहुत पसंद आई तो उन्होंने 10 जोड़ी कपड़े दे दिए हैं, मैं मना नहीं कर पाई, उनका 1 हफ्ते के अंदर सिलकर दे देना हा? और पैसे तू देख लियो। ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी। चलो अच्छा है, जो पैसे आएंगे उनसे मैं मोहित के लिए तोहफा ले आऊंगी। कुमुद 2 जोड़ी कपड़े जैसे तैसे सिल लेती है, फिर घर के कामों में उलझ जाती है। वो सीढ़ी से उतरती है कि उसके सीधे हाथ में चोट लग जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसे 1 हफ्ते तक सीधे हाथ से काम करने की मना करता है। और कुमुद कहती है, मैं घर में किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि मेरे सीधे हाथ में लग गई है, पल्लू से अपने प्लास्टर को छुपा लूंगी, पर घर के काम और बाकी के कपड़े कैसे सिलूंगी। कुमुद जैसे ही घर पहुंचकर अपने कमरे में आती है तो सारे कपड़े उसे सिले हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे पैंट शर्ट सूट ये सब तैयार कैसे हो गए, मैंने तो इनकी कटिंग भी नहीं की थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई मेरे सारे कपड़े सिल देता है, और मेरे शादी का लहंगा भी ऐसे ही सिल गया था, कैसे पता करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप जो भी हैं मेरे सामने आ जाइए। तभी कुमुद की दादी उसके सामने आकर कहती है, बेटा जीते जी मैं तुझे ना कोई तोहफा दे पाई, ना तेरी शादी में शामिल हो पाई, और तू इतनी परेशानी में थी ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए तेरी सिलाई मशीन को मैंने जादुई सिलाई मशीन बना दिया, उसी की सहायता से तेरी शादी का लहंगा तैयार हो गया, तेरी ननद के और ये कपड़े भी अपने आप सिल गए, तुझे कोई भी काम हो तो अपनी जादुई सिलाई मशीन से कह देना, वो झट से सारे कपड़े सिल देगी। शुक्रिया दादी, अब मैं अपना खुद का एक बड़ा सा बुटीक खोल लूंगी, जहाँ मुझे किसी हेल्पर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और बाकी का काम जादुई सिलाई मशीन कर देगी। हाँ बेटा, ऐसे ही हमेशा खुश रहना, चलती हूँ। ये कहकर उसकी दादी चली जाती है। तभी पड़ोसन आकर कहती है, अरे तुमने 1 हफ्ते से पहले ही इतने सारे कपड़े झट से सिल दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया आंटी। कुछ ही दिनों में कुमुद अपने ससुराल वालों की सहायता से अपना बुटीक खोल लेती है, जहां वो गरीब लड़कियों को भी सिखाया करती थी और अपनी जादुई मशीन को सबसे छुपाकर फटाफट ऑर्डर तैयार कर दिया करती थी, जिससे एक बड़ी कंपनी उसे अपने कपड़े डिजाइन करने के लिए हायर करती है। भरतपुर गांव में रहने वाला गोपी एक गरीब दर्जी था। उसके परिवार में कुल 3 जन थे, गोपी, उसकी पत्नी रमैया और बेटी कलिका। कलिका का रंग बेहद काला था, मगर वो मन की बेहद साफ थी। देर रात दर्जी की दुकान बंद करके गोपी घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए, माँ कब से आपकी राह देख रही थी, आप बैठिए मैं पानी लाती हूँ। जैसे ही कलिका रसोई घर का रुख करती है, रमैया बोलती है, अजी कलिका के ब्याह की कुछ बात बड़ी क्या? हाँ भाग्यवान, कल दुलारी जी अपने बेटे के साथ हमारी बेटी को देखने आ रही है। ईश्वर से यही विनती है कि अब की बार हमारी बेटी की जोड़ी बंधन का गठजोड़ हो जाए। देखते ही देखते रात का अंधेरा चढ़ते सूरज के साथ सवेरे में ढल जाता है। रमैया अपनी बेटी कलिका से कहती है, कलिका बेटी
आज तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आने को है। ये गुलाबी रंग की साड़ी तुझ पर बहुत खिलेगी, इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। थोड़ी ही देर में दुलारी अपने बेटे के साथ दर्जी गोपी के घर आती है। तभी कलिका हाथों में चाय नाश्ता लिए उनके सामने आती है, जिसे देख कर दुलारी बौखलाकर बोलती है, गोपी भाई, फोन पर तो तुमने अपनी बेटी की बड़ी बड़ाई हाकी थी कि तुम्हारी बेटी खरा सोना है, यहाँ तो कोयले की खान निकली। इतने भी बुरे दिन नहीं आए दुलारी देवी के जो अपने बेटे की शादी इस काली कमली से करना पड़े। बहन जी, जानता हूँ कि मेरी बेटी रंग की जरा पक्की है, मगर मन की मैली नहीं है। एक बार इसकी बाहरी रंगत छोड़कर देखिए। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर एक शर्त है। अगर तुम दहेज के दाम में 10 लाख रुपए नगद, 4 चक्के की गाड़ी और बड़े से बैंकेट हॉल में ब्याह करोगे। दुलारी के मुंह से दहेज की डिमांड सुनकर गरीब गोपी के माथे पर चिंता की लकीर उभर आती है, जिसे देखकर कलिका कहती है, माफ कीजिए, मगर मुझे ये ब्याह नहीं करना। बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ लौट जाएं। वो रहा दरवाजा, जाइए और किसी रईस घर का द्वार खटखटाइए, जहां आपको ढेरों दान दहेज मिले। जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना गोपी दर्जी, इस जन्म में तो तुम्हारी काली बेटी का कन्यादान होने से रहा, ये काली कमली तुम्हारी छाती पर किल्ला गाड़ कर रहेगी। हाँ, क्योंकि किसी को शौक नहीं अपने घर में अंधेरा करने का। दुलारी के जाते ही कलिका औंधे मुंह धरती पर बैठ जाती है। तभी रमैया कहती है, कलिका बेटी संभाल खुद को। माँ, बाबूजी, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए, मेरे काले रंग के कारण आप दोनों हमेशा रुजवा होते हैं। बाबूजी, शायद भगवान आपकी बेटी के हाथों में ब्याह की लकीरें खींचना भूल गए, इसीलिए अब फिर कभी मेरे ब्याह की बात मत करना। यह पहली दफा नहीं था जब कोई कलिका का ठट्ठा उड़ाकर उसे ठुकरा कर गया। इस वाक्य ने कलिका के मन में भारी ठेस पहुंचाई, इसलिए कलिका अपने पिता के साथ दर्जे की दुकान पर कपड़े सिलना सीखने लगी। कुछ महीने बीत गए। अरे वाह बेटी, क्या बात है, तू तो अपने बाबूजी से भी बेहतर कपड़े की कटिंग करने लगी है और सिलाई भी एकदम सटीक कर रही है। वो तो होगी ही ना बाबूजी, मैं एक दर्जी की बेटी जो हूँ। समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद गांव में आनंद नाम का एक कलेक्टर आता है। गांव की सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थी, तभी कलिका कहती है, क्या बात है रंजना, तुम सभी इतना चहकती हुई किसकी चर्चा कर रही हो? ओहो, तुझे तो दिन भर अपनी दर्जी की दुकान से ही फुर्सत नहीं। अरे, हमारे भरतपुर गांव में एक कलेक्टर आए हैं, उनका चेहरा एकदम दूध की तरह गोरा चिट्टा है और कद काठी में तो एकदम डैशिंग दिखता है। रहने दे रंजना, इसे मत बता, क्योंकि कलेक्टर साहब तो इसके काले रंग को देखकर ही दूर भाग जाएंगे। अपनी सहेलियों के ताने बाने सुनकर कलिका रोते हुए अपने दर्जी की दुकान पर आती है। ये भरतपुर गांव में ये अनजाना चेहरा, कहीं ये बाबू साहब वही कलेक्टर तो नहीं? देखिए गोपी काका, मैं इस गांव का कलेक्टर हूँ, अगर इस गांव में कोई भी गुंडागर्दी मौजूद है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कलेक्टर के सवाल पर दर्जी गोपी के होठ सिल जाते हैं, मगर कलिका हियाव बांधकर बोल पड़ती है, मैं बताती हूँ बाबू साहब, जग्गा नाम का एक आवारा गुंडा भरतपुर के दुकानदारों से हर हफ्ते बड़ा भुगतान लेकर जाता है, इसीलिए हम गरीब साल भर के मेहनत के बाद भी गरीबी की मार झेलते हैं। कलिका का बेखौफ बुलंद अंदाज देख आनंद उसकी ओर खींचा चला जाता है और जग्गा की गुंडागर्दी से गांव को निजात दिलाने की खुशी में गोपी कहता है, शुक्रिया आनंद बाबू, आज आपकी बदौलत भरतपुर गांव को जग्गा जैसे गुंडे से रिहाई मिली है। काका, इस जीत की असल हकदार कलिका है, जिसने मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए आनंद कलिका को वो हार पहना देता है। कलिका के मन में आनंद के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। एक रोज कलिका खुद से कहती है, कलेक्टर बाबू ने अपना हार तो मुझे दे दिया है, मैं उन्हें क्या दूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि उन्हें देने के लिए कोई उपहार मोल ले सकूं। क्यों ना मैं अपनी दर्जी के हुनर से उनके लिए एक शर्ट सिलूं? कलिका पूरे मन से आनंद के लिए शर्ट सिलने लग जाती है। ये देखकर उसका दर्जी पिता गोपी बात को भांप जाता है, बावजूद इसके वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता। फिर उसी शाम दर्जी कलिका आनंद के दफ्तर में दस्तक देती है। कलिका, तुम इतनी देर शाम यहाँ? बाबू साहब, मैं
मैं वो। अरे क्या बात है, तुम इतनी झिझक क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बाबू साहब, मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक शर्ट सिली है, पता नहीं आपको पसंद आए ना आए। आप तो मॉल के महंगे कपड़े लत्ते पहनते होंगे। नहीं कलिका, तुम्हारा तोहफा मेरे लिए मूंगों से भी बढ़कर है। शुक्रिया दर्जी साहिबा। आनंद की दिली हसरत जानकर कलिका के कदम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ललक के साथ देखने लगते हैं। मगर अगले ही दिन ये खबर गांव में आग के लपटों की तरह धधक पड़ती है। क्यों रे काली कमली, तू तो बड़ी शातिर निकली, कलेक्टर साहब को मीठी छुरी से जैसे फंसा रही है। अरे रंजनन, शहरी बाबू का कोई भरोसा नहीं, अब्बल दर्जे के दगाबाज होते हैं। वो बेवकूफ नहीं जो दर्जी की बेटी के साथ फेरे लेंगे। बस इस काली कलिका से माने निकलकर अंधेरे करके फुर हो जाएंगे। दूर खड़ा आनंद ये सब सुन लेता है। वहीं कलिका मन ही मन में कहती है, सच ही तो कह रही है ये सब। मैं तो आनंद बाबू की धूल बराबर भी नहीं, वो भला मुझ बदसूरत से ब्याह क्यों करना चाहेंगे। हर पन्ना हीरा पाने की तमन्ना रखता है, मगर हीरा मिलता तो किसी एक खास को है। कलिका अपने मन को समझा बुझा कर घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि आनंद उसके घर पर है। अरे कलेक्टर बाबू, आप यहाँ? कलिका, तेरे तो भाग्य बड़े बलवान है बेटी, कलेक्टर साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं। गोपी की बात सुनकर कलिका की आंखों में खुशियों की बदरा बरस पड़ती है, मगर उसके मन में सखी सहेलियों के बोल की छवि उभर आती है। मुझे तुम्हारे जैसी सुलझी हुई जीवन साथी चाहिए, वो कोई और नहीं, तुम हो कलिका। मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी तुम्हारी छवि मेरे मन में बस गई थी, मगर मैं तुम्हें पूरी तरह से जानना चाहता था। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे अपना हम सफर बनाने का हक देना चाहती हो या नहीं। आनंद की बात से कलिका के मन पर छाए काले मेघ छंट जाते हैं और वो शादी के लिए हामी भर देती है। आखिरकार गरीब दर्जी गोपी की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। किसने सोचा था कि कलिका की किस्मत इतनी बलवान निकलेगी कि वो कलेक्टर की पत्नी का पद पाएगी। सच में साथियों, तपस्या जितनी बड़ी हो उसका प्रतिफल उतना ही उम्दा होता है।